आप देख रहे हैं 575 ounces का एक नया एपिसोड. निखिल आपने अपने बाल बना लिए सर, आप सेट लग रहे हो, फिक्र ना करो, अच्छे लग रहे हो. मेरा नाम है अर्जुन, as always हमारे त्रिदेव में हमारे साथ है निखिल नाज और जेमी ऑल्टर. लेकिन आज त्रिदेव में साथ में एक और इंसान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है अमोल करहाटकर, who joined us in our earlier episode of 575 ounces जब हम रणजी ट्रॉफी के क्या कहते हैं वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे एंड व्हाई इट वाजंट ट्रांसलेटिंग इनटू व्यूअरशिप. लेकिन आज अमोल को इसलिए शो पे बुलाया क्योंकि हाल ही में उन्होंने द हिंदू के लिए एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है इन द पॉसिबल सिनेरियोस गोइंग फॉरवर्ड. अगर क्रिकेट रिज्यूम करता है पोस्ट दिस कोरोना वायरस थिंग, देन व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोस गोइंग फॉरवर्ड, एंड वन ऑफ देम इज दैट यू माइट प्रैक्टिकली सी, आई डोंट नो प्रैक्टिकली और यू माइट पॉसिबली सी टू टीम्स प्लेइंग साइड बाय साइड. तो यहां पे इंडिया एक टेस्ट मैच खेल रहा है, साथ ही में एक और वेन्यू में शायद वो एक T20 मैच भी खेल रहे हैं टू मेक अप फॉर ऑल द लॉस्ट टाइम एंड सीरीज दैट यू हैड टू मिस आउट कर्टसी ऑफ दिस लॉकडाउन. तो अमोल, सबसे पहले इज दिस वन ऑफ दोस सिनेरियोस की सबको मीटिंग रूम में बुलाया है BCCI ने और बोला है कि गिव मी द पॉसिबल सिनेरियोस, और इज द एक्चुअली अ प्रैक्टिकल साइड टू इट दैट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स दिस माइट एक्चुअली बी सीन. आर्टिकल इतना आप पसंद आया और वो हम लोग आज उस बारे में बात कर रहे हैं. तो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि अभी तक मीटिंग रूम में बुलाया गया है, एक बड़ा कॉन कॉल हुआ है, सबको ब्रीफ किया गया है. ये सिर्फ अभी तक एक थॉट है, एक पॉसिबिलिटी है. ओके, एज अ जर्नलिस्ट हमारी जिंदगी व्हाट इफ फैक्टर पे चलती है, राइट? तो अभी दुनिया ही व्हाट इफ पे चल रही, तो टू बिगिन विथ ये सिचुएशन कब आ सकता है? एक, इफ इंटरनेशनल क्रिकेट अभी बहुत पॉसिबल लग रहा है, इतना जल्दी तो हम इंटरनेशनल स्पोर्ट नहीं दे सकते. दूसरा, इफ दैट लीड्स टू T20 वर्ल्ड कप बीइंग द फर्स्ट टूर्नामेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट. तीसरा, इवन इफ T20 वर्ल्ड कप डजंट हैपन, इफ क्रिकेट रिज्यूम्स इन इंडिया बाय द ईयर एंड और अर्ली नेक्स्ट ईयर, ये सब इफ 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 होने के बाद जब व्हेन की नौबत आएगी ना, तो ये सब सिनारियो सामने आ जाएंगे. और उसमें ऐसा है, सिंपल चीज है, देखो मार्च में जो 3 T20s हुए थे, सॉरी 3 ODI सीरीज साउथ अफ्रीका वाला जो कैंसिल करना पड़ा बीच में पहले मैच, मेकअप फॉर दैट अगर इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम हो सकता है तो इंडिया अगस्त में साउथ अफ्रीका जा सकता है. ओके, दैट कुड बी द स्टार्ट. लेकिन वापस पहले बहुत सारे इफ ऑल्सो कम इन टू दिस इक्वेशन. उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल शेड्यूल इंडिया वाज सपोज्ड टू प्ले श्रीलंका इन जून फॉर 3 T20s, इन ऑगस्ट फॉर 3 ODIs, देन प्ले एशिया कप, देन होस्ट इंग्लैंड फॉर 3 ODIs एंड 3 T20s बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच. ओके, तो इसमें अभी ऐसा चल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट BCCI, इट इज ऑल्सो अबाउट इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. कि अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट इवन इफ क्लोज डोर सिनेरियो में शुरू हो सकता है ना, तो हर किसी को खुद का ब्रॉडकास्टर का जो कमिटमेंट है और इनटू ब्रैकेट खुद का जो पैसा आने वाला है ब्रॉडकास्टर से, वो अश्योर करने के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है. अगर आपके पास 2 ही महीने है और 2 महीने में आपको 5 वनडे 8 T20 और 5 टेस्ट मैचेस ऐसा कमिटमेंट है, तो वो हो ही नहीं सकता. इंडिया सपोज टू प्ले 17 होम गेम्स एट 17 होम गेम्स इन दिस करंट साइकिल, ब्रॉडकास्ट साइकिल, जो 60 करोड़ पर मैच मिल रहा है BCCI को, 1000 करोड़ अगर रिकवर करना है, गलती से IPL नहीं होता तो वो 1000 करोड़ तो पैरामाउंट है BCCI के लिए, वो बहुत क्रिटिकल है, वरना सब डोमेस्टिक क्रिकेट भी अफेक्ट हो जाए. तो वो पैसा रिकवर करने के लिए आप 2 महीने में अगर 17 मैचेस खिलाने हैं तो एक साथ इंग्लैंड से खेलो टेस्ट मैच दिन में और दूसरा टीम शाम को या श्रीलंका या साउथ अफ्रीका किसी के साथ मनी पैरामाउंट है, क्योंकि कई बार हमारे क्रिकेटर्स कंप्लेन करते आए हैं कि हम 2 दिन पहले पहुंचे और आप हमको टेस्ट मैच खिला देते हो किसी देश में, या गैप बिटवीन टेस्ट और वनडे इतना कम कर देते हो, तो जब तब उस बारे में चिंता नहीं करी, तो अब तो 2 अलग अलग टीमें, तो आई डोंट थिंक BCCI एक ऐसा बोर्ड है जो ज्यादा सोचने वाला है. अगर ऐसी नौबत आई कि उनके पैसों पे अफेक्ट पड़ रहा है जैसे अमोल ने कहा, तो वो जरूर ये ऑप्शन ले लेंगे. BCCI का जहां तक सवाल है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो जाए, क्योंकि ये चीज भी हम लोग काफी, हमारी जैसे अमोल ने कहा, जिंदगी
इफ्स एंड बट्स से चलती है, तो हम लोग ये कई बार आर्टिकल लिखते आए हैं कि इंडिया जो T20 क्रिकेट खेलता है वो बिल्कुल वनडे स्टाइल में खेलता है या एकदम अलग, दुनिया चेंज हो रही है, अलग अलग टीमें लेके आ रही है, अलग अलग स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, इंडिया ऐसा क्यों नहीं करता। तो शायद ऐसा है, ये चांस मिले, इनएडवर्टेंटली हो, लेकिन ये चांस मिले कि आप वो यू कैन गो डाउन दैट पाथ जहां दो स्प्लिट कैप्टन्स भी रखो, इसकी काफी चर्चा हम लगातार करते आए हैं। तो ये मतलब अगर आप दो चीज सिनारियो देखें तो इंडिया के हक में जाता है। तीसरी, आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो एज अ कंट्री, बिकॉज वी नो बीसीसीआई डिसाइड्स सो मच ऑफ व्हाट हैपेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, दे आर ब्लेस्ड राइट नाउ विद द टैलेंट दैट दे हैव। ये भी हम कई बार आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं या लोगों की ओपिनियन रही है कि इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड है अभी जो ए बी सी टीम में भी बना सकते हैं, एंड इफ दे प्ले दे विल बी क्वाइट कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो दे आर ब्लेस्ड इन दैट फ्रंट ऑल्सो। सो ये सारी चीजें जब बीसीसीआई के फेवर में जा रही है तो मुझे नहीं लगता बीसीसीआई इस पर ठप्पा नहीं लगाएगा, वो जरूर लगाएगा, और अगर बीसीसीआई हाँ कहेगा तो बाकी बोर्ड तो आ ही जाएंगे साथ में। सर ठप्पा तो लगा देंगे, लेकिन फिर आपको ये भी तो चूज करना है कि विराट कोहली साहब, अगर आप एक टेस्ट मैच और T20 मुकाबला एक दिन में खेल रहे हो तो विराट कोहली साहब कौन सी टीम में आएंगे, और वो एक बहुत ही बड़ा पता नहीं। जेमी फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैन इट कैन बी अ रियल बिजार सिचुएशन राइट, कि आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो टेस्ट मैच कवर करने के लिए, टेस्ट मैच खत्म हुआ है 4-5 बजे तक, और फिर 7 बजे T20 मुकाबला भी शुरू हो गया। देखिए अर्जुन, अगर आप जर्नलिस्ट के तौर से बात करें तो फिर आजकल जो जो मैं सुन रहा हूँ, बहुत से जो कंपनीज है उनकी ऑनलाइन प्रिंट स्पोर्ट्स टीम्स, उनकी प्रिंट टीम्स, वो हो गए मैन फॉर ऑल सीजन। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ फाइनेंस कर रहे हैं, सो एवरी इट्स ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो उस लिहाज से देखें तो अगला जो भी मैच होगा जर्नलिस्ट टूट पड़ेंगे उसको कवर करने के लिए, चाहे वो रणजी हो जैसे अमोल ने कहा था, जहां 3 लोग नहीं आते वहां शायद 30 जर्नलिस्ट हो अगर इनको इजाजत मिले मैच कवर करने का। तो ये हो गई बात उसकी, बाकी बिजार तो है अर्जुन, लेकिन ये सारे वक्त जिसमें हम हैं अभी, इट इज बिजार। आई मीन हमारे दौर में, हमारे एरा में हमने कभी देखा नहीं ऐसा। तो आई थिंक लाइक बोथ अमोल एंड निखिल से, जो भी जिस तरह से क्रिकेट वापस आएगा उसको लोग लैप अप करेंगे, एंड एवरीवन स्पेशली बीसीसीआई, यू नो लाइक निखिल सेड, इनको पैसे की जो भूख है, दे नीड टू गेट दैट बैक, पीपल हैव टू रिकवर लॉसेस, ब्रॉडकास्टर्स। तो आई थिंक जिस फॉर्म में भी आएगा वो चलेगा, चाहे दिन में 3 भी हो, क्योंकि जैसे कि निखिल ने कहा था रिचेस तो है आपके पास। अगर आप आईपीएल के टॉप परफॉर्मर्स देख लें पिछले 2 साल से, उन्हीं से आप एक T20 टीम बना सकते हो विच विल बी वेरी कंपेटिटिव, क्योंकि इंडिया के पास वो रिचेस है। यू गेट योर कृणाल पांड्या, यू गेट योर यू नो खलील अहमद, श्रेयस अय्यर विल नॉट इन द टेस्ट टीम, श्रेयस अय्यर शायद एक T20 टीम को लीड भी कर सकते हैं इफ दिस बिजार सिचुएशन डज एवर प्रेजेंट इटसेल्फ। सो आई एम नॉट टू कंसर्न अबाउट द फंडामेंटल्स कमिंग टुगेदर, बट ये होगा कि नहीं ये तो अलग बात है, उस पर हम आगे आई एम श्योर चर्चा भी करेंगे। Yeah, you know, Amol, because I don't know why we're saying BCCI is hungry for money. Because if you take a look at what's happening in all over the world, whether it's the Bundesliga, whether it's the Premier League, NBA, it's sports organizations. They've taken a massive hit. And at the end of the day, जो आप अब आप अगर आप 1,000 करोड़ को massive hit मांगते हो, 500 करोड़ को massive hit मांगते हो, that depends on you. But a massive hit is as a massive hit. आप जो भी हो, तो you are trying your best to get that thing going. But then the big problem is, Amol, selection issues in something like this, and when you have someone and see if you're saying cricket is assuming in July August, we're assuming, right? So if we're assuming cricket is starting in July August, then we're also assuming that there's a World T20 happening at the end of the year. So in a T20 World Cup year, what do you give importance to? Do you give importance to a World Test Championship 3-4 months before that? And by importance, I'm saying playing your best teams, or do you say forget the World Test Championship because it's on till 22, I'm guessing now, and all importance is given to the T20 team? See, my simple point is, if this situation arises, it will arise early next year. Okay, India mein jo cricket hoga, jab BCCI ka ye possibility bahut kam hai ki T20 World Cup agar hua, aur to uske pehle ya immediately Australia Test Series ke waqt BCCI aise sab chizon mein bahar khelne ke liye agree karega. Okay, to point kab aayega, jab India mein home season hai jo is saal kam hai. जनवरी, मिड जनवरी में इंडिया इज सपोज टू रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फरवरी और मार्च 2 महीने में इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज, फॉलोड बाय अफगानिस्तान के साथ एक शॉर्ट 3 मैच लिमिटेड ओवर सीरीज, उस वक्त सब कुछ क्रंच करने का ट्राई हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो आई डोंट थिंक वर्ल्ड T20 वाला चीज विल कम इन टू इक्वेशन। और उसके बाद आप ऑब्वियसली जस्टिफाई कर सकते हो कि आफ्टर व्हाटएवर हैपेंस इन 2020 वर्ल्ड T20, we have started
टेस्टिंग डिफरेंट प्लेयर्स फॉर 2021 वर्ल्ड टी20 राइट, जस्टिफाई करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मोर ओवर ये क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं होगा, अगर होगा तो ये बिजनेस डिसीजन है और वो हम लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि अगर ये शेड्यूल में 2020 का आईपीएल गया तो बीसीसीआई का कॉफर्स 2500 करोड़ से कम हो जाएगा। ओके, ये ठीक है कि बीसीसीआई के बैलेंस शीट में अभी भी 5500 करोड़ कैश इन हैंड है, लेकिन अगर एक साल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को 2500 करोड़ इनकम कम हो जाता है तो फिर ये जो 17 मैचेस से 1000 करोड़ आने वाला है ना, वो पैरामाउंट है। वो कैसे भी हो जाए, आप जितना हो सके उतना मैचेस खिलाने का ट्राई करोगे ही करोगे, एंड आई एम श्योर कोई भी प्लेयर ना नहीं बोलेगा ऐसे सिचुएशन। Fair enough. Nikhil, anything else you want to add as far as the feasibility, practicality is concerned? No, I agree with Joe Amol. I think unhone, you know, he's hit the nail on the head saying that this is not a cricketing decision. We can argue as much as we can that without Virat, India will play or not. Eventually, business decision. And at this time, we are so starved. We were talking about journalists. Fans are so starved. कि मैंने लाइफ में कभी वो कोरियन लीग नहीं देखी थी, पर उन्होंने वो मैच खेला तो मैं लाइव स्पोर्ट नहीं था, आई वॉच्ड इट, आई न्यू नो प्लेयर्स, आई न्यू नो टीम, बट देखा। तो अब इतने सिचुएशन में है जहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो दो टीमें खेली और इंडिया के पास ऐसा सेट, आईपीएल ने इतने स्टार्स बना दिए हैं कि इवन इफ यू मेकिंग अ बी टीम, दे आर स्टार्स इन देयर ओन राइट, सब जानते हैं उनको, देयर हाउस होल्ड नेम, वो भी खेलेंगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी वॉचिंग। सो आई मीन इवन क्रिकेटिंग डिसीजन वाइज, इवन दो दे मे नॉट गिव कंसिडरेशन टू दैट, इवन क्रिकेटिंग डिसीजन वाइज कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है इंडियन टीम को। शायद क्या अभी आप गिनेंगे तो 2 या 3 प्लेयर हों जिनके लिए आप बहुत लड़ाई करेंगे, क्यों नहीं है ना भाई, जसप्रीत बुमराह के लिए आप लड़ लेंगे, विराट कोहली के लिए लड़ लेंगे, कुछ हद तक आप रोहित शर्मा के लिए भी लड़ लेंगे, वो भी कई लोग कहेंगे नहीं टेस्ट में आपके पास है फिक्स तो आप उसको लिमिटेड ओवर, तो इतना लड़ाई है नहीं, आप टीम पर 2 बना सकते हो, सो इट्स क्वाइट फीजिबल टू डू एज अमोल से। एक मेरा सवाल है अमोल के लिए, अगर हम इसको बिजनेस डिसीजन के तौर से देखें तो ऑफकोर्स इफ ऑल वर्क्स आउट वेल, सब ठीक हो जाए तो वर्ल्ड टी20 स्टार्ट्स इन आई थिंक अर्ली नवंबर या लेट अक्टूबर, बट कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजन से व्हाट इज मोर फीजिबल फॉर बोथ बीसीसीआई एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड द ब्रॉडकास्टर्स, अ फुल टेस्ट, अ फुल सीरीज स्पैनिंग फोर मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 1 है और इंडिया जो बहुत ही कम पॉइंट्स पे नंबर 3 पे है, या 16 नेशन टी20 जहां बहुत सारे टीम्स है जिनमें से आधे इतने अच्छे भी नहीं है, फ्रॉम अ बिजनेस डील। सी फॉर बिजनेस डील हर कोई कंट्री अभी बायलैटरल क्रिकेट प्रेफर करेगा, करेक्ट। ओके, दूसरा चीज, अगर वर्ल्ड टी20 से रिजम्पशन हो रहा है तो उसमें एक छोटी सी मेजर इशू क्या है, अगर आप जून में डिसाइड करोगे कि हाँ हम लोग टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और अगर सितंबर में 16 में से 2 कंट्रीज बोल दे कि हम लोग नहीं आ सकते तो अब क्या करोगे, तो टूर्नामेंट की थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो उस हिसाब से एज ऑफ नाउ गिवन अ चॉइस, हर कोई बोर्ड बायलैटरल क्रिकेट प्रीफर करेगा, लेकिन जब आप टी20 वर्ल्ड कप इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में है उस लिहाज से देखें तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए टी20 वर्ल्ड कप बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, As of now, with spectators. Without spectators, अगर हो जाए तो फिर जैसे आप बोल रहे हो कि 4 टेस्ट सीरीज और 3 लिमिटेड ओवर्स मैचेस जो है वो शायद 5 टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि उससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। ओके, लेकिन वापस वो हम वापस व्हाट इफ वाले चीज पे आ रहे हैं कि अभी बहुत सारे सिनेरियो डिस्कस हो रहे हैं, जब तक बेसिक क्लैरिटी ना आएगी कि कब शुरू हो सकेगा टू बिगिन विद इंटरनेशनल ट्रैवल फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं जब क्रिकेट शुरू होने वाला है, माय दिस थिंग इज दैट व्हेनेवर यू अज्यूम क्रिकेट इज गोइंग टू स्टार्ट, यू आर गोइंग टू स्टिक टू द कैलेंडर दैट वाज बिफोर दैट, सो द कैलेंडर सेज दैट इंडिया इज प्लेइंग अ टी20 सीरीज प्रायर टू द वर्ल्ड टी20 and then they are playing a test series and an ODI series, then you'll stick to it. And whatever you've lost in the process, then you'll try making up for it aage jaake by making spare windows. How will you eat into a current window that is there from when cricket begins? Aisa hota nahi hai. I mean, this is an ideal scenario, Arjun. But aisa pehle bhi hua hai ki you can push a series baad mein. Bhai, it's a bilateral thing. Abhi, agar hum India-South Africa ki baat kar rahe hain, agar nahi fit ho paya before, you know, World T20 or test series, toh India bol sakta hai, don't worry, yaar, we'll cover it up. Aur ye do boards ke beech ki baat hai. ऐसा पहले भी हुआ है, यू नो, वे दे अरेंज अ डिफरेंट स्लॉट और बीच में कभी गैप मिला
रहेगा और वो तो गैप मिलते ही रहेंगे, और अगर हम दो टीमें बनाएंगे तो और भी गैप मिलेंगे। हाँ अमोल कुछ कहना चाहते हैं उसमें? सिर्फ एक ही अभी कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ गया है निखिल, आपका पॉइंट आगे लेते हुए, कि अभी आईसीसी ने एक टेस्ट लीग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है जिसका पहला साइकिल बीच में, और वनडे लीग शुरू होने वाला था जस्ट आफ्टर आईपीएल और फॉर दैट मैटर मई में वो आयरलैंड और बांग्लादेश वाले सीरीज के साथ, लेकिन वो सब अभी पोस्टपोन हो गया है। ओके एज ऑफ नाउ इट इज ऑन होल्ड, लेकिन आईसीसी चाहेगा अपने ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये सब टूर्नामेंट हो जाए, क्योंकि वनडे लीग का सिग्निफिकेंस क्या है, अल्टीमेटली वो बायलैटरल सीरीज ही है, टेस्ट लीग बायलैटरल सीरीज ही है, लेकिन वनडे लीग जो है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट फॉर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो जब ये सब रीशेड्यूल करने की बात आएगी तो हर बोर्ड को खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, आईसीसी को क्वालिफिकेशन सिनेरियो प्रोटेक्ट करना है, आईसीसी को वर्ल्ड टेस्ट लीग जो शुरू हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो पूरा करके उसका फाइनल जितना हो सके उतना 2021 में या फिर अगले साल, ये सब रीशेड्यूल करने के लिए अगले दो महीने, सॉरी अगर हम लोग अज्यूम करेंगे कि बाय दिस ईयर एंड क्रिकेट हो जाएगा, तो अगले दो साल के पीरियड में आपको इफेक्टिवली 3 साल का क्रिकेट खिलाना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसा सिचुएशन आ सकता है। एड टू दैट अभी आधे से ज्यादा कंट्रीज ने खुद का T20 लीग स्टार्ट किया है, वो सब स्लॉट्स ऑलरेडी ब्लॉक, तो कहां से आप टाइम तो तैयार नहीं कर सकते ना, वो लिमिटेड टाइम में आपको अगर ज्यादा क्रिकेट खेलना पड़ेगा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक दिस एक्चुअली देन यू नो टेक्स अस टू द पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड में, जैसे बोला ऑप्शन ही ना हो तो वी हैव टू प्ले दीज यू नो मल्टीपल टीम्स ए बी, और इसमें आई डोंट नो अगर हमें व्यूअर्स को याद भी हो भी चुका है ये, आई रिमेम्बर जब ऑस्ट्रेलिया आई थी यहाँ पे 2017 में, दे वर प्लेइंग अ T20 विद श्रीलंका एट दैट टाइम, और एकदम लास्ट मोमेंट वो टीम भी आई, पुणे का टेस्ट मैच शुरू हो गया था वाइल दे वर यू नो प्लेइंग अ T20 इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, तो मतलब ये पहले हो भी चुका है। ऑस्ट्रेलिया तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बिग बैश चलता रहता है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी चलता रहता है, अलग अलग सीरीज चलती रहती है, बिग प्लेयर्स इवन गो आउट ऑफ दैट एंड पार्टिसिपेट, सो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, थोड़ा हमें क्लू तो देखने को मिला है और आगे भी हो सकता है। सर आई जस्ट फील जिमी आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, इट्स बेसिकली अबाउट व्हेनेवर यू गेट द गो अहेड, सारे जब खाने चिट वो आपको ग्रीन मार्क मिल जाएगा, इट्स अबाउट एवरीवन गेटिंग ऑन द सेम टेबल, and also probably someone will have to drop their ego and drop their want for whatever else it might be, that say you have a 2-year window to make up 3 years of cricket, there might be a few series that you can't make up and you might just have to forego it as loss. Yeah of course, and in such a situation kya hoga is the board jo hai, the big three and maybe the 4 or 5 ones will probably end up getting the having the say. Hum to sab jante hai ki icc to hai, par icc ko kaun si board chalati hai when it comes time to vote dene ka, ye kya hota hai, to afsos ki baat hai, but ha, we'll probably see. I know Amol has spoken very very honestly about smaller teams like Afghanistan and Ireland and even Bangladesh, inki to bahut kam log sunenge mere raaye mein, because the broadcaster itna stake hai, wo chahenge yaar ke dekho kahan ye, if talking about biggest contest aajkal, India Australia, India England, England Australia, South Africa ki jo standard hai wo kafi gir chuki hai, wo bhi shayad abhi number 4 pe nahi hai. तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं वो टेबल पे जो आप बात करेंगे, वो टेबल ऐसा टूट पड़ेगा जब लोग उसके ऊपर गिरेंगे. अगेन इट्स अ सिचुएशन व्हिच वी रियली कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है इस वायरस को लेके, इतने सारे वेरिएबल्स है, पर आई थिंक अगर लॉजिकली देखा जाए तो शायद साल के एंड में, उम्मीद करता हूँ एंड में वी माइट होपफुली सी अ ब्रेक थ्रू इन लाइव क्रिकेट. वो कैसे होगा पता नहीं, शायद बिहाइंड क्लोज डोर्स ही होगा मोस्ट लाइकली, बट राइट नाउ अर्जुन टू मेनी वेरिएबल्स for us to discuss. Kuch baat hui thi kuch fantasy teams ki, the one more thing we'll get to it. One more thing that you know it may happen with just the test championship and then the limited over championship coming, bigger teams, let's say India ka example le lo, aap test mein lead bhi kar raha hai, it might say unko pata hai unhone final khelna hai, they are so far ahead, they'll let go forgo, but the icc ko ye bhi keh denge theek hai, we won't play this series, forfeit our points, you know, jaane dete hai hamare. World cup mein humne dekha aisa hota tha, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से वी विल नॉट गो एंड प्ले इन श्रीलंका बिकॉज दे न्यू दैट
through the league, they will make enough point to play the final. You know, but then Nikhil, the team that's playing India, they'll say, "Bhai, हमें तो पैसे मिल रहे हैं उस सीरीज से, हमें तो ऑलरेडी पैसे नहीं मिल रहे, तो हम तो खेलना चाहेंगे सर, हम तो हाथ के ऊपर खड़े करेंगे, क्यों आप ऐसे मना कर रहे हो?" भाई, वो, that's what I'm trying to say. That team might just say that, but there could be another team जहाँ ज़्यादा पैसे उनको लगता है कमा सकते हैं. Just say if there is a clash, then what do? If there is a clash, then how do you, either one solution is you send a big, you know, string side to play that. But if there is a clash, if given a choice between India Australia test series and, you know, a test match kisi aur ke sath clash kar raha hai, what would you do, you know? Or a one day series with Australia, you'd rather play that ki you'll play a test match with Bangladesh, you know? Unfortunately, is cycle mein waisa hone ka possibility zero hai, kyunki India ka do series bacha hai world test championship ke is cycle mein. Ek Australia mein hai, ek England ke sath ghar pe hai, koi aap compromise nahi kar sakte. Correct. राइट तो उसमें एक ही सिनेरियो वापस वो व्हाट इफ वाली चीज है कि अगर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक साल आगे निकल जाए और बचे हुए टाइम में पुराना सीरीज शेड्यूल करो तो उसमें वापस प्रॉब्लम क्या हो सकता है अगर आप ऐसा करोगे कि आप ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कैंसिल करके वर्ल्ड T20 या IPL खिलाओगे उस वक्त. लेकिन फिर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट के लिए आपको वहां कुछ तो खेलना पड़ेगा और फिर टेस्ट चैंपियनशिप के लिए वापस अगले साल जाना पड़ेगा, ये भी फिजिबल नहीं है. तो एज ऑफ नाउ वो जो पॉसिबल सिनेरियोज है ना वो बहुत कॉन्वोल्यूटेड है. जब तक वापस मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, जब तक बेसिक क्लैरिटी ना हो ना तब तक हम लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा. फैंटेसी सर, जस्ट वन फाइनल पॉइंट, बिकॉज क्या है कि इससे पहले एक बड़े मशहूर ब्रॉडकास्टर है हमारे इंडिया में जो सारा भारतीय क्रिकेट दिखाते हैं. Now, I have been in those corridors and I know their obsession with a certain Virat Kohli, right? Virat Kohli when he's playing that game. Ab aap mujhe keh rahe ho, a broadcaster who's shelling out a lot of money, sir. They're shelling out a lot of money for India cricket. And if they have a scenario saying ki ek game mein Virat Kohli nahi dikhega, say agar Virat Kohli ne choose kiya, I'm just saying, or BCCI has chosen that he'll play T20 and he will not play test cricket, which goes over 5 days and it's not easily sold. The broadcaster, you will have to fight with him as well, because the broadcaster would say, here is that one guy who at least makes up for some of the losses that we are incurring in a test match. I mean, there are two things. Ek to broadcaster is hal mein hai. Aapne un particular broadcasters ki baat bhi ki. I was on a webinar with them, you know, with some representative of those broadcaster. They are so desperate to have some sort of cricket that I think they'll take that. They'll take a team without a T20 team without Virat for the moment if a scenario like that arises. For the moment, kyunki aap bilkul cricket se zyada cricket hona, they'll take it. बट सेकेंड ऑप्शन ये भी है विच इज अ पॉसिबिलिटी और हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, क्या आगे चलकर दे रीनेगोशिएट, हो सकता है करे उसमें शायद बीसीसीआई में ऑल्सो मे मेक सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट फॉर द ब्रॉडकास्टर. ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना. अभी जब उनके पास क्रिकेट नहीं था तो बीसीसीआई ओपन डे आर्काइव्स जो यूजली नहीं करते कि ले लो आप दिखाओ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यू गेट अ लॉट ऑफ मनी. तो अगर ये ऐसी चीज है थोड़ा रीनेगोशिएट करके, आई थिंक इट इज समथिंग दैट कैन बी वर्क आउट, जस्ट लाइक एनी कॉन्ट्रैक्ट. आपके और हमारे बीच भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हो, हम रीनेगोशिएट करते हैं, कैन बी डन, एंड आई डोंट थिंक ईदर पार्टी विल बी अवर्स टू इट. ब्रॉडकास्टर का जो सिनेरियो है ना उसमें दो चीजें सिर्फ ऐड करूंगा मैं, फिर हम लोग फैंटेसी टीम के पास जा सकते हैं. एक चीज के ब्रॉडकास्टर का से बहुत है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस करने के लिए एग्जांपल देता हूँ. वो जो ब्रॉडकास्टर की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो भगवान है, जो है ना, जो नाम में भी भगवान है और चैनल के भी भगवान है, जब बीसीसीआई ने IPL सस्पेंड किया वो अनाउंसमेंट होने के एक दिन पहले, वो भगवान बीसीसीआई ऑफिस में आए थे, मैं वहां खड़ा था. वो आए, उनके साथ बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग हुई, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना कुछ हुआ नहीं आगे. ये एक चीज. दूसरा चीज, फैंस के हिसाब से और जो कुछ बचे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्रिकेट फैंस बचे इंडिया में, उनके हिसाब से अगर एक ही फॉर्मेट में कप्तान खेलेंगे तो कोहली कैम के बजाय या तो श्रेयस कैम या रोहित कैम या और कोई कैम आ जाएगा एक फॉर्मेट में, वो भी थोड़ी राहत हो जाएगी. वो तो आप कह रहे हो ना सर, पर जो ब्रॉडकास्टर है जो वहां सर्कल्स में बैठे वो तो जानते हैं कि हमारा तो एक ही ट्रुप का इक्का है और उस ट्रुप के इक्के बलबूते पे अपना यहाँ पे ब्रॉडकास्ट चल रहा है. सुपर वी सही बात है. फैंटेसी टीम्स पे आए थे जी. अब आई थिंक सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है, फीजिबिलिटी प्रैक्टिकलिटी गोइंग फॉरवर्ड. सो फैंटेसी टीम्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंस अमोल इज रिटन इन हिज आर्टिकल, सो वी ओनली टेकिंग द टू फॉर्मेट्स दैट अमोल इज रेफर्ड टू इन हिज आर्टिकल, दैट इज टेस्ट एंड टी20.
because going forward also I think ODI पे इतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा when compared to these two formats. कप्तान ने बोल दिया it's not an important year for. सही बात. सुपर भी ने बोल दिया तो फिर हमें उसके बारे में आगे बात करने की जरूरत है नहीं. So it's pretty simple. You make a 13 member squad or a 14 member squad according to you, and two players cannot overlap in either sides. और जैसी बोल नहीं है actually in the beginning. When Amol said na ki in practicality the situation will come post January after World T20, to maine kaha yaar meri team to barbaad ho gayi kyunki maine to puri team waise banayi thi World T20 ke bare mein soch ke aur achhe arguments bhi the mere paas. Fantasy to hai, bana de, kya farak padta hai, fantasy hai. Theek hai sir, to shuru kaun kar rahe hain fir apni teamon ke sath? Aap kariye, aap kariye. Main shuru kar deta hu. Theek hai ji, mujhe pata hai yahan pe kafi goliyan chalne wali hai mere upar. To test team jo hai meri, my top 3 is I feel. Because ये क्या है जो top three है, why should anyone चलाओ गोली, it's your team, तुम में जो मन में है बना दो, बोल दो बोलो सर. टेस्ट टीम मेरे ओपनर हैं मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, जो आपके नॉर्मल टेस्ट टीम के भी ओपनर्स हैं. साथ में फिर अब नंबर तीन पे, क्योंकि मैं मिस्टर कोहली को T20 टीम पे डाला हुआ है, शुभमन गिल है मेरे नंबर थ्री, देन चेतेश्वर पुजारा, देन अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, मोहम्मद शमी एंड ईशांत शर्मा. तो यानी कि मतलब जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली दोनों के दोनों मेरे T20 साइड्स में. मेरी T20 टीम की बात करें तो रोहित शर्मा नहीं है. हाँ जी, पुजारा नहीं है आपकी टीम? नहीं, पुजारा है, चार नंबर पे डाला है. पुजारा है सर, हमने सीमेंट लगा के, हमने ईंटें लगा के बॉल बनाया. रोहित शर्मा, के एल राहुल ओपनर्स, विराट कोहली नंबर थ्री, श्रेयस अय्यर फोर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर एंड जसप्रीत बुमराह. एंड आई हैव बैकअप एज नवदीप सैनी, संजू सैमसन, मनीष पांडे एंड कृणाल पांड्या. तो सर मैं टेस्ट में मैंने 11 ही चूज करे, मैं और सोच नहीं पा रहा एक्चुअली में. तो मेरे यहाँ पे T20 में मैंने भर दिया लोगों को. Because I personally feel if I am making a team, I am keeping in mind that there's a World T20 happening at the end of the year. And if this situation arises, then all my focus is on the World T20. World Test Championship to baad ki baat hai, chal rahi hai wahan pe kahani. Aur India kaafi aage hai, like Nikhil mentioned. Usme itne darne ki baat hai nahi. But in general, aapko team thoda aisa rakhna chahiye na, koi bhi aage chal kar yehi use hogi. So any tournament, so you cannot take the test team lightly. So don't assume ki bhai test championship mein India aage hai. India ke saath Australia ka agar test match hai, wo hame puri zindagi, matlab lifetime yaad rehta hai ki jab Australia gaye the to kya score tha, kaun sa test jeete hai. To bahut important hai India Australia test. Anyway, ye aapki team hai. Theek hai, theek, meri team hai sir. ये team, ये baat hai ki meri test team Bangladesh ko Bangladesh mein hara degi, ye baat pakka hai. Who's next? Jamie, उन्होंने बहुत तैयारी करी है. ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही लिख दिया. I'll get into it. मेरा I'll start with the test squad. मैंने टीम ये बनाया कि एक ही दिन में दो गेम, ये नहीं कि तीन महीने का गैप है. The whole deal was एक दिन में अगर शाम को ये है तो ये है. बिल्कुल. या. So my test captain is Virat Kohli. My openers are Mayank Agarwal, Prithvi Shaw, teen pe Pujara. Uske baad middle order ke options hai, puri squad hai 15 ki. Kyunki agar aap squad choose karte ho usme 15 hote hain. Pehle 11 bata do, Shubman Gill 11 bata do na, 11. Agarwal, Shaw, Pujara, Kohli, Rahane, Vihari, Saha, Ashwin/Jadeja depending where you're playing, and then my four fast bowlers you can choose from Bumrah, Ishant Shami with Umesh the backup. I've also kept Rishabh Pant here because Rishabh Pant's impact will be required more in the test cricket, because if you're playing it's not a one off test match, ye char match ka series hai against Australia, aapko backup keeper chahiye. Aapke paas T20 mein already KL Rahul hai, who is not letting Rishabh Pant get a chance to keep. So rather than waste Pant in the T20 squad, maine unko dal diya test thing. Ab aate hain mere T20 squad mein, Rohit Sharma captain, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जो नहीं है, हमें गिव द चांस टू प्ले इन लीग्स, बिकॉज़ प्लेइंग इन दीस लीग्स कैन गिव अस वन लास्ट शॉट एट अ कॉल द इंडियन टीम. सुरेश रैना अभी भी काफी जवान है, कोई बूढ़े प्लेयर नहीं है. विराट कोहली के एब्सेंस में वो खेल सकते हैं उस रोल में. तो बाकी आए हैं कृणाल, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, कुलदीप एंड चहल द लेग स्पिनर्स, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, नवदीप सैनी एंड शार्दुल ठाकुर. ये मेरा पूरा स्क्वाड है. दिस कैन चेंज. आप एक टूर्नामेंट खेल रहे हो, सीरीज खेल रहे हो, यू नीड प्लेयर्स टू कम इन. ये रही मेरी बात. क्या बात है जी.
मतलब कोहली साहब T20 में नहीं है, मतलब बुमराह साहब भी T20 में। अगर इस सीरीज में दो हफ्ते का गैप है फिर तो नो ब्रेनर कोहली विल डू बोथ। हम उस लिहाज से देख रहे हैं कि एक दिन में सुबह टेस्ट, 5 बजे 5:30 बजे स्टंप्स, 8 बजे नेक्स्ट मैच है। इस मेरा ये व्यू है उस पे। चलो जी, हु इज नेक्स्ट? अमोल। सो सेम लॉजिक यूज किया मैंने कि टेस्ट और T20 अगर एक दिन में है या एक वीक में टेस्ट और T20 क्लैश हो रहा है तो ऑब्वियसली मयंक एंड पृथ्वी एज ओपनर्स, पुजारा एट 3, कोहली एट 4, कैप्टन फॉर द टाइम बीइंग, रहाणे एट 5, विहारी एट 6, शाह एट 7। मैंने 12 चूज किए है प्राइमरी लीग डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो जाडेजा, अश्विन, ईशांत, बुमराह और शमी। My 13, 14, 15 will be Shubman Gill, Umesh Yadav, okay, and possibly, because I don't see any other keeper coming up, KS Bharat, because he was called up as a backup, okay, that's the 15th. For T20s, I have 13 ready, 14 ready for that, 14. Rohit Sharma, captain, KL Rahul, Shreyas Iyer at 3, Manish Pandey at 4, Shubman Gill at 5, Rishabh Pant at 6, Hardik at 7, Chahal Kuldeep 8, 9, Deepak Chahar 9, Navdeep Saini 10, Shardul Thakur 11, or 12, 13, 14 would be Washington Sundar, Shivam Dubey and Sanju Samson. So, Shubman, you had in test as a backup or you put him in the T20? I put him in both, is it? Yes. Okay, I would prepare as a backup for tests. Okay. Okay. And then I'll get Sanju Samson in 11 in place of Shubman at 6. Okay, theek hai. Bhuvneshwar Kumar nahi hai aaspaas ka T20 mein. Sir, Sanju Samson kuch nahi honge. 6 number pe unko khila rahe ho Sanju Samson ko. Sanju Samson ko aap kahin bhi fit kar sakte ho T20 mein. वैसे ओपनिंग में काफी उसको चांस तो मिलते रहे वैसे, ये तो यू आर अ चॉइस। मैं ऋषभ पंत को ओपन कराऊंगा T20s में, जो आप देख लेना अगले 2 साल में, आप वापस एक शो करना ये याद रख के। लेकिन फिलहाल केएल राहुल बहुत कंसिस्टेंट है तो फिलहाल उन्हें ओपनिंग में नहीं हटा सकते। तो मेरी टेस्ट टीम है आइडेंटिकल टू जेमी, ओनली डिफरेंस है कि आई थिंक आपने उमेश को बैकअप रखा था। मैं उमेश को अगर 11 में लूंगा, मैंने यहाँ पर शमी को नहीं रखा था टेस्ट टीम में, शमी को मैंने T20 में रखा है। मैंने बैकअप जयदेव उनादकट को रखा है। कई लोग इस पे सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर जो आदमी डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट लेते जा रहा है तो आई विल स्टिल कीप हिम एज अ बैकअप। बट मेरे 3 पेसर्स आई कैप बुमराह, उमेश एंड ईशांत इन द टेस्ट सेटअप। एंड द रीजन आई हैव डन दैट इज क्योंकि मुझे लगता है बुमराह के बाद ये लड़ाई हो रही थी, बट मुझे लगा T20 में आई कैन कवर विदाउट बुमराह, बट टेस्ट में मुझे वो चाहिए होंगे अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं। दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट। बाकी सेम टीम है, रोहित, विराट आई हैव केप्ट इन द टेस्ट टीम बिकॉज यू नीड अ कैप्टन, यू नो, मैं T20 में करा रहा हूँ रोहित से तो मुझे यहाँ विराट चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द टेस्ट टीम, इट्स आइडेंटिकल एज जेमी ने जो कहा था। ओनली डिफरेंस ये है कि मैंने शमी को यहाँ पर नहीं रखा है, शमी मेरा दूसरी टीम में। तो T20 टीम में एंड बैकअप व्हाट आई हैव डन इज द अदर थिंग इज ऋषभ इज इन माई टेस्ट टीम बट इज प्लेइंग। द ओनली अदर डिफरेंस दैट जेमी सेड उन्होंने शायद ऋषभ को बाहर बैठाया था एंड विधिमान वॉज प्लेइंग, बट आई एम प्लेइंग ऋषभ इंस्टेड ऑफ विधिमान। सो ऋषभ बैट्स एट नंबर 7 फॉर मी इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे हैं टेस्ट सीरीज। T20 सीरीज आई हैव गॉन विद माई ओपनर्स डिफर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आई एम ओपनिंग विद रोहित एंड शिखर। आई प्ले KL एट नंबर 3, I'll play Shreyas Iyer at 4. At number 5, I'll go with Shubman because I didn't put him in the test squad even as a backup. I've got Shubman here because usko chance bhi mila tha, but I don't think extended run mila. But his backup is Suresh Raina. So you could either go with Raina or Shubman depending on, you know, what the team thinks. I've just gone with a youngster saying ki bhai, if you're looking forward, Manish Pandey at 6, Hardik at 7. Then my 2 spinners in Kulchar and you've got so I'm playing one spinner, so let's say Kuldeep here, but the backup is Chahal if in case you want to change. And 3 fast bowlers in Bhuvi, Shami and Navdeep Saini. Chahar is also my backup fast bowler that will sit out, and so is Washington Sundar. These are outside the 11.
Yeah, this is my first question to all three of you, because all three of you, if I would say by looking at your squads, is that you preferred the test format. You made it stronger as opposed to the T20 squad. Why is there a reason? Because you kept Bumrah and Kohli both in your test squads. And I don't quite agree with you, Nikhil, because if Bumrah nahi hoga, toh main T20 nikal lunga, because uske 4 over T20 mein bahut farak karte hain, sir. Especially in the phase that he comes in and bowls. I kind of agree, but I think the difference, okay, in a test match vis-a-vis a T20, the difference won't be, let's think of it as a main captain, okay, na? Aur main between, let's say, Bhuvi and Bumrah, ek hi choose kar sakta hun, okay? If I was to look at their T20 records, is not much. In fact, Bhuvi has a far greater IPL record than Bumrah in T20 cricket, right? So the difference is 19-20 mere usme. I mean, people may disagree. I don't think there's a massive difference between who I get between Bumrah and Bhuvi. However, in test between Bhuvneshwar and Bumrah, massive difference. I'll go with Bumrah, 10 days out of 10. But in T20 between Bhuvi and Bumrah, I could, matlab agar mujhe Bumrah nahi mila, I'm okay with Bhuvi. I'm not that worried as a captain. I know that Bhuvi will also do the job with his Yorker, Yash slower ones, and he's shown it in T20. But test mein agar nahi hua Bumrah mere paas aur Bhuvi ko khila raha hu, to main ghabraunga as a captain. That's why I did that. Sir, ye bataiye na, sir, Super B Super Test team mein kyun hai? Fir main mujhe ye samajh mein nahi aa raha. Why not in the T20 squad? Aap logon ne test ko above T20 kyun rakha hai? Because we are not sure ke agar India test khel rahi hai, to anything, they are playing for the World Test Championship. T20 khel rahe, wo kya ek bilateral series khel rahe, 3 match ka World Cup khel rahe, this no one knows. But if they're playing test matches, they're playing for the WTC. And India, that gap is shrinking. Virat Kohli himself puts a premium on test cricket more than that. Plus, as you know, the broadcasters will have their say. Virat Kohli is needed. Who will lead that test team? You remove Virat Kohli from the one-day team, they'll still win matches. Yep. Remove from the test team, they're not going to win much. So, test cricket is the number one format in Virat Kohli's own words. Yeah, that is... Virat Kohli jo hai, mere wo test team mein. And that is what I was going to say, Arjun, ki hum decide kar rahe kya, bhai Virat Kohli ka to say bahut important hai. He himself has 10 times. If it was MS Dhoni, he may have picked T20 or one-day cricket ahead of test. Theek hai? We know that, he made it very clear. ठीक है, बट अगर विराट कोहली है और वो कैप्टन से पूछा ही जाएगा, मतलब आप और मैं कुछ भी बोल रहे हैं, वो टेस्ट टीम में ही खेलना पसंद करेंगे. He's made it very clear. So that just settles the debate. But Amol, correct me if I'm wrong. I mean, so say, we all know Virat Kohli's love affair with the 5-day format. It's pretty evident. He's come out and said it, spoken about it. But it's not all. अब आप जिस सिनारियो में आप जा रहे हो, सिनारियो में वो हर बारी कप्तान की नहीं चलने वाली ना. कभी कभी बीसीसीआई या ब्रॉडकास्टर भी बोलेगा, जनाब आप जरा प्लीज 5-day फॉर्मेट को जरा साइड करिए, आपको T20 खेलने जाना है, आप ये सीरीज T20 ही खेलने वाले हैं, चाहे आपको 5-day फॉर्मेट से जितना प्यार हो. मैं ऑब्जेक्टिवली मैंने सिलेक्ट किया है दो सिचुएशन सामने रख के. एक, दिस स्क्वाड इज फॉर पोस्ट वर्ल्ड T20 2020. ओके, तो T20 वर्ल्ड कप में चाहे जो हो, my simple point is it's high time India has split captaincy. Aur agar captaincy split karna hai, and if I am the chief selector, I'll any day have Rohit Sharma as the limited overs captain over anyone else in India right now. Okay, Rohit Sharma deserves to be the captain, and he should be given ODI captaincy, because in tests again uske place mein sawal khade hote hain, aur test team mein wo ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है, और टेस्ट में बैकअप्स बहुत है ऑलरेडी, देयर आर टू मेनी ओपनर्स अराउंड. ओके, दूसरा चीज बुमराह का चीज जो आपने बोला, उसमें मेरा एक ही पॉइंट है, वो मेरा सेल्फिश रीजन है, क्योंकि बुमराह ने इंडिया में रेड बॉल क्रिकेट खेल के कितना जमाना हो गया याद नहीं. लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच वो कब खेले थे, 4 साल हो चुके रहेंगे उसको. ओके, ऑलमोस्ट 5 साल बुमराह अभी तक इंडिया में टेस्ट मैच खेला नहीं है. और जैसा मैंने कहा कि ये मैं 2021 के हिसाब से चल रहा हूँ, तो अगर चांस मिले कि बुमराह इंडिया में टेस्ट मैच खेल सकता है, तो मैं बुमराह को इंडिया में टेस्ट मैच खेलते हुए चाहता हूँ. ओके, और वैसे भी T20 में बैकअप्स बहुत है. अगर हार्दिक आपके इक्वेशन में आता है, तो जैसा अर्जुन आपने पॉइंट रेज किया कि बुमराह का जो रोल है स्पेशली एट द डेथ एंड ऑल, तो हार्दिक उस रोल में मोर ऑर लेस सॉर्टेड है. ठीक है, वो मारते हैं, लेकिन T20 में कोई मारता नहीं. यू कांट कंपेयर हिम टू बुमराह ना अमोल. उन्होंने ये दिखाया है, जहां भी खेले हैं बाहर, मतलब हर हर
ओवरसीज टूर में 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया है. इंडिया में है तो उमेश कैन डू द जॉब एज वेल विद द ओवर बॉल एंड ऑफ द डे, बट वो है वो चीज बुमराह में. यू नो आई कैन एग्री विद यू गाइस, बट दिस होल रीजनिंग फॉर 4 ओवर्स आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज़ 4 ओवर्स इफ यू टेक इट इनटू कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टी20 गेम, 4 ओवर्स इज 20% ऑफ योर इनिंग्स, सो यू टेक 20% ऑफ योर इनिंग्स इन अ टेस्ट गेम एज वेल. आप देखें, आप जो हाल ही में देखें व्हेन बुमराह वाज कमिंग बैक एंड एब्सेंट, देयर वर प्लेयर्स हु वर नियरली पुलिंग देमसेल्व्स टू गेट टू दैट मार्क. नवदीप सैनी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शार्दुल ठाकुर सरप्राइजिंगली ही आल्सो हैड सम गुड स्पेल्स, दीपक चहर, तो वो लोग हैं. बुमराह इज बुमराह, बट स्पेशली अगर भुवनेश्वर कुमार आपके टीम में है तो कहीं कहीं मामले में भुवनेश्वर उनके डैडी हैं, स्पेशली अगर आप आईपीएल देखें. सो व्हेन यू हैव हिम लाइक इन माय टीम ही वाज देयर, आई डोंट नीड देम बोथ. सो एंड भुवनेश्वर अभी फिट नहीं होते टेस्ट मैच में, तो मैंने कहा चलो टी20 खेलो. Fair enough, guys. I think fantasy teams to humne de di. Amol, anything else we can look forward to? Can I ask you something? When can you practically assume cricket might take place? At least in the circles they're speaking about it. Ki July, August, they're saying England is thinking that they want to start playing in July. Yeah. England wants to. Maybe they'll start playing something domestically in July. I don't see international cricket resuming by August, September. That would be the रियलिस्टिक टारगेट राइट नाउ. उसके पहले अगर हुआ तो बहुत बड़ा रिस्क है हर लिहाज से, और ज्यादा कुछ कोई करेगा नहीं उसके पहले, और स्लॉट्स भी कम. जुलाई अगस्त में वैसे भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट कितने देशों में खेल सकते हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना. ठीक है, तो सर इंडिया का बता दो, इंडिया का हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जुलाई अगस्त जब भी अगर हो तो क्या पहला सीरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर ऐसा अपने बोल रहे हैं कि 3 ओडीआई के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे अगस्त में. और जैसे अमोल बोल रहे हैं कि ये डिसाइड वहां से भी होता है, सिर्फ बीसीसीआई के ऑफिस से नहीं, जो लोअर परेल में ऑफिस है वहां से भी होता है, तो आप लोअर परेल वाला नहीं होगा साउथ अफ्रीका वाला? पर आप फोन परेल आ गया साउथ अफ्रीका भी. अच्छा लोअर परेल आ गया, मलाड नहीं है? लोअर परेल. तो आप जरा वहां फोन लगाए, आपके बड़े जान पहचान है वहां पे. सर वो मेरी लाइन ब्लॉक कर दी गई है वहाँ पे, जब से मैं छोड़ के गया था वहाँ से मेरी लाइन ब्लॉक कर दी गई थी. बट गाइज थैंक यू सो मच अमोल, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड. वी आर गोइंग टू पुट अ लिंक ऑफ अमोल्स आर्टिकल एज वेल, यू कैन फाइंड इट ऑन द हिंदू, इट केम आउट अ फ्यू डेज बैक, सो डू गो ऑन इट एंड गिव इट अ रीड एज वेल. निखिल नाज, जेमी ऑल्टर, अमोल, गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड. हम ऑफकोर्स वी विल ट्राई कमिंग टू यू वंस एवरी वीक ऑन 575 आंसर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय. We'll be right back.